नमस्कार दोस्तों, MPPCGL नई भर्ती 2024 मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में नई भर्ती निकली दोस्तों। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संजय गांधी ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। चयन मेरिट के आधार पर होगा दोस्तों। इसमें सैलरी, आयु सीमा, संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे यूट्यूब भी चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को जैसे ही पता, हमारी एक वेबसाइट भी है जिस पर आपको समस्त नोटिफिकेशन, हम जो भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको वहीं से प्राप्त होंगी, जिसका नाम है गौर न्यूज 24। लिखकर आप जैसे ही सर्च करें आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिया जाएगा, इसे आप फॉलो कर लीजिए। संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह ने इस वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन मंगाया है। अप्रेंटिसशिप वैकेंसी 2024 से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारी, जैसे शैक्षणिक योग्यता, पदों का विवरण, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, आवेदन शुल्क, आवेदन के लिए प्रमुख दस्तावेज, आवेदन की जानकारी नीचे दी गई है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भर्ती का पद, तो मैकेनिकल इंजीनियर सहित अन्य पद इसमें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि आवेदन की तारीख क्या है, कब से आवेदन इसके स्टार्ट हुए हैं, तो 20/11/2024 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 20 नवंबर 2024 से, जो कि 2 दिसंबर 2024 तक आवेदन चलने वाले हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों, ST SC OBC EWS जनरल सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए आवेदन इसमें निःशुल्क रखा गया है। टोटल पदों की बात करें दोस्तों, 29 टोटल पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। कौन कौन से पद यहाँ पर अगर हम देखें, तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, इन पदों पर भर्ती होनी है। आयु सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18 से 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 18 से 30 वर्ष के यदि आप हैं, तो इसमें आवेदन जरूर कर सकते हैं। ST SC OBC उम्मीदवार को सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पद के योग्यता के अनुसार हम पद, जैसे हमने किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है उससे संबंधित हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, तो ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप की, तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री आपके पास जो है होना चाहिए। अरे अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें, तो तकनीकी शिक्षा में मान्यता प्राप्त संस्था से उपरोक्त विषय में इंजीनियर या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है नॉर्मली डॉक्यूमेंट हमारे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एक सिग्नेचर, आयु प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, ये सभी आपको जरूरी है। अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 9,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हैं तो आपको 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा, ठीक है। बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो दोस्तों सिलेक्शन आपकी मेरिट के आधार पर होगा। प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा में प्राप्त अंकों की प्रावीण्य सूची, मतलब आपने जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर अप्लाई किया है, उस क्वालिफिकेशन के आधार नंबर के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदन किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है, इसमें कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, कोई शुल्क आपको जमा नहीं करना है, इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। साधारण डाक द्वारा आवेदन प्रेषित करने की स्थिति में आवेदक जिस शाखा के लिए आवेदन कर रहा है, मतलब आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसको लिफाफे के ऊपर स्पष्ट तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने कोई अपूर्ण जानकारी या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी तो और असत्य जानकारी दी, तो आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन कहाँ पर भेजना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेदन आपको भेजना है कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संजय गांधी ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जिला उमरिया मध्य प्रदेश, पिन कोड है आपका 4845-51। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर या नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आप नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और यहाँ पर आपको टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, दोनों के अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, तो ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी यहाँ पर सर्वर डाउन है इस कारण से,
रिलेटेड सर्वर, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप गूगल पर जैसे, अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको गूगल पर दोस्तों सर्च करना है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है, MPPGCL। यहाँ पर जैसे हम अगर आपको सर्च करके बताते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं गूगल पर, यहाँ पर MPPCGL, यहाँ पर हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर जनरेटिंग कंपनी आ चुकी है, आपको ये गूगल पर सर्च कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप संजय गांधी ताप विद्युत गृह में अपने आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके काम का वीडियो नहीं तो अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।